हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कभी प्यार है, कभी रिश्ता, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल से बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर्थ। इस बार बीजेपी जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए। झोपड़पट्टी में जाकर किया भाजपा के घोषणा पत्र का प्रकाशन। 30 सालों में जलगांव का विकास नहीं भकास हुआ है, कहा मंत्री गिरीश महाजन ने। एक समय सुरेश जैन से युति करने के लिए तत्पर दिखे भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन, अब सुरेश जैन और उनकी सत्ता को जी भरकर कोस रहे हैं। मौका था भाजपा के घोषणा पत्र प्रकाशन का, जहाँ गरीब झोपड़ी में रहने वालों के हाथों से घोषणा पत्र का अनावरण करवाया गया। शुक्रवार को शहर के तुकारामवाड़ी में हुए इस कार्यक्रम में वहाँ विधायक सुरेश भोले, स्मिता वाघ, चंदू पटेल, प्रभाकर सोनवने समेत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही थी। इस दौरान विरोधकों द्वारा ठाट बाट से विकासनामा प्रकाशन को भी मंत्री जी ने ढोंग बताया। या ठिकाणी आम्ही पक्षाचा जाहीरनामा या ठिकाणी आज प्रसिद्ध केलेला आहे, आणि हा जाहीरनामा कुठे नुसतं सोशल मीडियावर नाही, कुठे हायफाय पद्धतीने नाही, तर जळगाव शहरातली विशेष करून जो अतिशय दुर्गम भाग आहे, दुर्गम म्हटल्यापेक्षा मी असं म्हणेल की तो दुर्लक्षित भाग आहे, विशेष करून झोपडपट्टीचा भाग आहे, या भागामध्ये जाऊन आम्ही तो प्रसिद्ध केलेला आहे। जाहीरनामा असून हा वचननामा आहे। आपण बघितलं असेल की गेल्या 15 वर्षांमध्ये 20 वर्षांमध्ये या जळगाव शहराची जी अवस्था झाली, मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही जिल्ह्याची न कुठल्याही महापालिकेची नसेल, कुठल्याही महापालिकेची नसेल इतकी वाईट अवस्था जळगावची। रस्ते तर सोडा, आपण साठी खड्डेसुद्धा बुजले गेले 15 वर्षांमध्ये 10 वर्षांमध्ये या जळगाव शहरातले कुठे नाही। आपण गटारी बघा, ड्रेनेजची व्यवस्था काही नाही आहे, रस्त्याची अवस्था अतिशय वाईट आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तसा आहे, लाईटांचा प्रश्न तसाच आहे, समांतर रस्त्याचा प्रश्न पेंडिंग आहे, व्यापारी आहेत, गाडेधारक आहेत, सगळे MIDC आहेत, सगळ्यांचे प्रश्न अतिशय गंभीर झालेले आहेत। आणि म्हणून गेल्या 30 वर्षापासून एक हाती सत्ता या ठिकाणी जनतेने विरोधकांना सोपवलेली होती। मंत्री जी की बातें सुनकर और घोषणा पत्र में जलगांव के उद्धार की बातें पढ़कर नागरिक जहां गदगद हो रहे थे, वहीं ये भी चर्चाएं थी कि राजनेताओं का कोई धर्म नहीं होता, वो बिन पेंदी के लोटे ही होते हैं। एक समय जिनसे गले मिलने के लिए आतुर थे मंत्री जी, अब उसी दोस्त को कोसे जा रहे हैं। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। Hey guys, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।